Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Manasvi. I'm at Sachi Stupa right now. वो पीछे है. अभी हम अंदर जाएंगे और फिर मैं उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगी. ये भोपाल से सिर्फ एक घंटे की दूरी पर है और इट विल बी 48 किलोमीटर्स अप्रोक्स. एंटर करने से पहले नीचे आपको गेट के पास टिकट निकालनी पड़ेगी. म्यूजियम के लिए 5 रुपीज पर पर्सन है और यहाँ पे मॉन्यूमेंट के पास आने के लिए 40 रुपीज पर पर्सन. आप स्कैन करके भी निकाल सकते हो. उनकी एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको मेंबर्स के नाम डालने होंगे, वहाँ पे कर सकते हैं. आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 जगहें बताने वाली हूँ जहाँ आप वीकेंड पर जा सकते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए. पहली जगह है सांची स्तूपा. यूनेस्को ने इसे ईयर 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था. यह सम्राट अशोक की विरासत है. क्योंकि वे बौद्ध धर्म को मान चुके थे, इसलिए सांची को बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाता है. अशोका ने 3री सदी ईसा पूर्व में इसे बौद्ध अध्ययन और शिक्षा केंद्र के तौर पर बनवाया था. स्तूपा यानी समाधि. बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ आते थे और कई बौद्ध भिक्षुओं की समाधियां भी यहाँ बनी है. 12वीं शताब्दी तक यहाँ बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र हुआ करता था. उसके बाद इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था और ये पूरा स्तूपा फॉरेस्ट में चला गया. 1818 में जनरल टेलर ने इसे खोजा. 1912 से लेकर 1919 तक सर जॉन मार्शल ने इसका कंजर्वेशन किया. यहाँ टोटल 4 तोरण द्वार है यानी तोरण गेट. और अगर आप 200 रुपए की नोट को गौर से देखें तो उसमें सांची स्तूपा के वेस्टर्न गेट की ही तस्वीर लगाई गई है. अब हम आते हैं इस मंदिर जो सांची स्तूपा के मॉन्यूमेंट के बाहर ही है. इंडिपेंडेंस के बाद ये जमीन भारत सरकार ने श्रीलंकन सरकार को एक उपहार के तौर पर दी थी. बाद में इस जमीन पर मंदिर बनवाया गया जिसका उद्घाटन 1953 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया.
हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम यानी पुरातत्व संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1919 में फेमस आर्कियोलॉजिस्ट सर जॉन मार्शल ने की थी। हरप्पा और मोहनजोदड़ो का सर्वेलेंस भी इन्हीं की निगरानी में हुआ था। स्तूपा के पास खोज के दौरान मिले हुए सभी चीजें यहाँ सुरक्षित रखी गई है। अब हम चलते हैं उदयगिरी की ओर। सांची स्तूपा देखकर अब हम आ चुके हैं उदयगिरी केव्स। ये केवल 10 किलोमीटर दूर है सांची स्तूपा से एंड अभी हम टिकट्स निकालेंगे। यहाँ पास में ही उदयगिरी रिजॉर्ट भी है, तो आप केव्स एक्सप्लोर करने के बाद रिजॉर्ट में जाकर लंच या ब्रेकफास्ट जिस भी टाइम आप आओ वो सब कर सकते हो। हम हमारा लंच साथ में लेके आए हैं, तो थोड़ा सा खा लेते हैं और फिर हम चलते हैं केव्स की तरफ। उदयगिरी एक छोटा गांव है जिसके साइड में पहाड़ पर उदयगिरी केव्स है। ये टोटल 20 गुफाएं हैं जो गुप्त साम्राज्य की कलाकृतियों और धर्म के बारे में जानकारियां देती हैं। में से 19 गुफाएं हिंदू देवताओं को दर्शाती हैं और एक गुफा जैन धर्म को दर्शाती है। गुफा नंबर 20 ही यहां का एंट्रेंस गेट है। ये सभी गुफाएं पत्थर को काटकर इंसानों ने बनाई हैं। सबसे बड़ी गुफाओं में से एक है 13th केव, जहां भगवान विष्णु की अनंत सयाना मुद्रा को दर्शाया है। हर गुफा एक कहानी बताती है और यही सब यहां की दीवारों पर दर्शाया गया है। उदयगिरी से निकलकर हम बढ़ने लगे वापस भोपाल की ओर, पर बीच में हमें मिलती है कर्क रेशा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोग यहाँ रुककर तस्वीर ले ही लेते हैं। भोपाल पहुँचते हुए शाम हो जाती है और हम जाते हैं ट्राइबल म्यूजियम, जिसे जनजातीय संग्रहालय कहा जाता है। हम अभी आ चुके हैं ट्रैवल म्यूजियम और समय हमारे पास बहुत कम है ये सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ये म्यूजियम बंद होता है 7 बजे और अभी बजे है 6:15।
मध्य प्रदेश के जनजाति समूह का रहन सहन, उनका जीवन, कलाएं, संस्कृति यहाँ बहुत अच्छे से दर्शाई गई है। Sometimes head on the glass by traffic lights. Thoughts never felt so blind, so we take off in amazing light. Driving circles, growing sick of the weather. Have the gray fell asleep in my sweatshirt. Leave the world and make a new one together. I tell my mom that I'll be. भगवान लक्ष्मी नारायण और देवी लक्ष्मी को समर्पित ये है बिरला मंदिर। इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। वातावरण बेहद खूबसूरत और पवित्र है, आप खुद ही देख लीजिए। बिरला मंदिर से हम निकलते हैं न्यू मार्केट की ओर, जो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। यहाँ बहुत कम दाम पर बहुत अच्छा सामान मिल जाता है, चाहे वो कपड़े हो या घर का सामान। और फिर हम आते हैं बड़ा तालाब की ओर। ये है इस वीडियो की आखिरी जगह और यहाँ का व्यू रात को बहुत ही प्यारा होता है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपको कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।